आदाब, ये प्राइम न्यूज इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज है। आइए देखते हैं इस वक्त दुनिया से ऐसी एक दुख भरी खबर पहुंच रही है कि जिसको सुनने के बाद हर एक इंसान का दिल कांप जाएगा। इस वक्त जो हज के लिए कई लाख लोग जो है मक्का और मदीना पहुंचे थे, इनमें सबसे बड़ा हादसा ऐसा पेश आया है कि जिसमें 1100 से ज्यादा हाजियों की मौत हो चुकी है, जिसमें भारत के कम से कम 100 के करीब यानी 98 लोगों की मौत होने की पुष्टि हो चुकी है। फॉरेन मिनिस्टर के जरिए से यह बताया गया है कि लोग बूढ़े थे या तो बीमार, नेचुरल कॉजेस की वजह से इनकी डेथ हो चुकी है। मगर इसके बाद कई कारण सामने आ रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब की हुकूमत को ब्लेम किया जा रहा है कि वो हुकूमत जो है इन तमाम हादसे को रोकने के लिए नाकाम हो चुकी है। वहां पर सऊदी अरब में इस वक्त जो टेम्परेचर था वो 51 डिग्री के ऊपर था, जिसका असर भी हो सकता है, मगर इसको निपटने के लिए सऊदी हुकूमत को पूरी कोशिश करनी चाहिए थी, मगर सऊदी हुकूमत ने अपने इस कोशिश को नाकाम होने दिया है और बदनामी का एक जरिया बनती जा रही है। क्योंकि सऊदी हुकूमत को चाहिए था कि लाखों की तादाद में जो हाजी मक्का और मदीना पहुंचते हैं उनकी हिफाजत का, उनके हर एक चीजों का ख्याल रखना सऊदी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। इस तरह से अगर हुकूमतें नाकाम होती है तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस वक्त दुनिया में पाया जाता है, जो दुनिया के कई कोने से हाजी एक मुकद्दस मकाम पर पहुंचते हैं और एक बहुत बड़ा फरीजा इस्लाम का अदा करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, मगर इस तरह की जब हरकतें होती है तो एक बहुत बड़ी नाराजगी हुकूमतों के खिलाफ आ जाती है। हम सबको चाहिए और खासकर सऊदी हुकूमत को चाहिए कि ऐसे हाजी जो इस वक्त दुनिया से पहुंचते हैं उनके हिफाजत का और उनकी हर एक तरीके से हिफाजत का, गर्मियों के जरिए तकलीफ का, बीमारियों का, हर एक तरीके की हिफाजत करना सऊदी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आइए देखते हैं। खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए।